अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना टॉपिक। जो क्लास हम पढ़ रहे हैं आज, वो है क्लास का टॉपिक है चैप्टर 13। हमने स्टार्ट किया हुआ था 10th क्लास का। टॉपिक जो है वो हमारे पास है मेरा बेटा जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में पहले आप ये सुन लें कि आपने इसे बोर्ड में अटैम्प्ट कैसे करना है। मेरा बेटा ये आपको बोर्ड में लॉन्गेस्ट, इसके अलावा शॉर्टेस्ट है, और इसमें से मैनी एमसीक्यूज बनते हैं। मोस्टली ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट के हवाले से आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो आपने बुक पे अपने देखा, वहाँ पर पूरा जो टॉपिक दिया गया है वहाँ पे मेन हेडिंग बनी है टाइप्स ऑफ जॉइंट। पहले आपने डेफिनेशन अटेम्प्ट करनी है। डेफिनेशन अटेम्प्ट करने के बाद आपने जो है उसके टाइप्स लिखनी है। टाइप्स के नेम लिखते जाए, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जाम्पल लिखते जाए। नेम लिखते जाए, टाइप्स का हेडिंग दें, डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखते जाए। तो ये ऐसे आपका प्रॉपर अटेम्प्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नेम के साथ ही आएंगे, जो उसकी टाइप्स होंगे उनके नेम के साथ, उसकी एग्जाम्पल के साथ। और एमसीक्यू ऐसे आएंगे लाइक हम किसी भी जॉइंट की एग्जाम्पल करें तो उसकी एग्जाम्पल को जो है वो फोर ऑप्शन में कोट करेगा और स्टेटमेंट बना देगा। वैसे आपने इसे एमसीक्यूज के तौर पर अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट। सबसे पहले आप जॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बारे से हम क्या बात कर रहे हैं कि जॉइंट्स क्या है? टू और मोर बॉन्ड्स मेक कॉन्टैक्ट। जब टू बॉन्ड्स, लाइक अगर हमारे पास ये एक बॉन्ड है, तो जब ये टू बॉन्ड्स जो है वो एट अ पॉइंट कॉन्टैक्ट करते हैं, ये जंक्शन जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, इनके कॉन्टैक्ट करने के पॉइंट को हम कहेंगे जॉइंट्स। तो जहां पर दो बॉन्ड्स आपस में कॉन्टैक्ट करें उसे जॉइंट्स कहते हैं। अब ये जॉइंट जब भी मूव करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी मूवमेंट होगी। लाइक ये मेरी एल्बो है, इसको मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूं एंड बैकवर्ड करके दोबारा स्ट्रेट पोजीशन पर ला रहा हूं। अपवर्ड से ये पुल हो रही है, बैकवर्ड से ये दोबारा स्ट्रेट पोजीशन पर आ रही है। तो इसको हम कहेंगे कि अलाउ मूवमेंट एंड सपोर्ट। ये हमें हमारी बॉडी को मूवमेंट भी देते हैं, जॉइंट्स को सपोर्ट भी देते हैं। बात करते हैं टाइप्स की। टाइप के लिहाज से ये तीन तरह के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। जहां पे बात इमूवेबल जॉइंट्स की आएगी वहां इसका सेकंड नेम फिक्स जॉइंट भी लिखा होगा, यानी कि नो मूवमेंट। अब बात करें जैसे कि अलाउ नो मूवमेंट एज द नेम। अब नाम के मीनिंग पढ़ लें, आपकी डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगी। और उस डेफिनेशन को गौर करें और उसको अप्लाई करें अपनी बॉडी के ऊपर कि कहां पर जो है वो मूवमेंट हो रही है, कहां पर मूवमेंट नहीं हो रही, कहां पर मूवमेंट कम हो रही है, तो आप उसकी एग्जांपल खुद भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स की। तो नो मूवमेंट, जहां पर कोई मूवमेंट ना हो, तो इसलिए स्कल बोन जो है इसके अंदर आ रही है, नो मूवमेंट। आपने पढ़ा पीछे कंपोनेंट ऑफ हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन था उसमें हमने एक्सोस्केलेटन स्कल में पढ़ा कि टोटल बोन्स इसमें से 14 फैशियल और 8 जो है वो क्रैनियल है। तो ये पार्ट जो क्रैनियल बोन्स का है, यहाँ पर स्मॉल बोन्स ऐसे अटैच है हमारे हेड के साथ। अब इन बोन्स की पोजीशन देखें, ये हमारा अगर हेड रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बोन जो है वो इस तरह, दूसरी बोन इसी के साथ यहाँ पर इस तरह, तीसरी बोन इसके आगे। तो ये देखिए जहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये अटैच है, ठीक है, ये इनका डिस्टिंक्शन जो है ये जॉइंट कहलाएगा और इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो अलाउ नो मूवमेंट, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एज द नेम स्लाइट, वेरी स्लाइट, जो कि बहुत कम जो है वो मूवमेंट दे। तो स्लाइटली मूवमेंट की होती है, जैसे एग्जांपल वो दे रहा है वर्टीब्राई। वर्टीब्राई हमारे रीढ़ की हड्डी की वो बात कर रहे हैं। अब हम वर्टीब्राई ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इस टाइप के हमारे जो है वो वर्टीब्राई यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एक साइड का वर्टीब्राई, इसी तरह ये दूसरी साइड के वर्टीब्राई। तो ये मेरा बेटा वर्टीब्राई जो है वो देंगे स्लाइटली मूवमेंट। मिड में मैंने जगह क्यों छोड़ी, ये मैं बिल्कुल बैक से जैसे मैं कर रहा हूं, बैक से मैंने उसका ड्रॉ करने की कोशिश की। मिड में जगह इसलिए छोड़ी कि यहां पर मौजूद है इन वर्टीब्राई के साथ, यहां पर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई ये कुछ नर्व्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैल रही। तो ये वर्टीब्राई जो है स्लाइटली मूवमेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। फिर बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स मूव वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, तो ये हमें दे रहे हैं वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। शोल्डर, हिप, एल्बो, नी जॉइंट इसके एग्जांपल है। अब इनकी वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स की बुनियाद पर टू टाइप्स के होंगे, हिप जॉइंट्स एंड बैलेंस ऑफ हिप जॉइंट्स। हिप जॉइंट्स जो कि क्या करेंगे, बैक फॉरवर्ड लाइक हिप डॉग, ठीक है। जैसे एक दरवाजे को आप ओपन करें तो वो वन प्लैन पर ओपन होता है, तो इसी तरह जो है ये वन प्लैन पर मूव करेंगे। एग्जाम्पल नी एंड एल्बो, तो ये है मेरी एल्बो, जब मैं इसे बेंड करूँ तो ये अपवर्ड इस तरह बेंड होगी और जब मैं इसे स्ट्रेट करूँ ऐसे वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगी। तो देखिए मूवमेंट सिर्फ एक प्लैन में है, मैं इसको यहाँ से बैक नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करूँ ये नहीं होगी, उल्टा टूट जाएगी। तो ये एक प्लैन के अंदर जो है वो
balance of hip joints move all direction, जैसे shoulder और hip, hip joints और ये shoulder joints. अब मैं इसे front move करना चाहूँ ये हो जाएगा, upward और लेना चाहूँ हो जाएगा, backward लेके जाना चाहूँ हो जाएगा और वापस अपनी position पर. मैं इस plane में भी इसे लेके जा सकता हूँ, वापस भी ला सकता हूँ. तो ये allow करता है variety of movement, यानी कि all in direction. ठीक है, shoulder और hip joints यहाँ पे इसकी example आ जाएगी. अब मेरा बेटा बात आ रही है रोल ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट सा ये टॉपिक है, बोर्ड में जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, मोस्टली इनमें डिफरेंस आ जाता है जैसे आपको नजर आ रहा है. तो बात करते हैं रोल ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. जब भी आपको इस नाम से ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तब भी आपने ये पूरा लिख रहे हैं, लेकिन मोस्टली टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस आ जाता है. अब ये टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो बैंड्स हैं बेसिकली, जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मिंग कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं. ठीक है, अब इनकी बात करें तो टू इनकी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. आप हेडिंग देख के इसका लिख सकते हैं. टेंडन्स की बात करें तो टेंडन्स आर टफ बैंड्स, ये टफ होते हैं, अटैच मसल्स टू बोन, ये मसल्स को अटैच करते हैं बोन के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बोन स्ट्रक्चर है इस तरह, ये यहां पर मौजूद होंगे हमारे स्केलेटल मसल. ये मैं बाइसेप मसल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हमारा आ गया बाइसेप मसल. अब ये बाइसेप मसल जो है आर्म की बोन के साथ यहां पर एक पॉइंट से इस बोन के साथ ऐसे जुड़ा, ये बेसिकली शोल्डर के पास जुड़ा होता है. तो यहां पर जो वो शोल्डर का पॉइंट होगा बिल्कुल हम उसको कुछ यूं ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होगा ऐसा. ठीक है, तो यहां पर जब ये अटैच होंगे इस पॉइंट पर तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कहलाएगा मेरा बेटा टेंडन्स. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहला रहा है, टेंडन्स कहला रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो मसल था ये बाइसेप मसल और ये साथ जो है वो उसके शोल्डर का ज्वाइंट. ठीक है, ये हमारा जो होगा अपर आर्म. तो इस तरह जो है ये अपर आर्म की बोन है हमारे पास, तो ये इस तरह जो है ये मसल्स आपस में ज्वाइन करेगा, ये बोन होगी तो जिस जगह पर वो ज्वाइन करेगा तो मसल्स का बोन के साथ जो है वो अटैच करना टेंडन्स कहलाएगा. इसको हम थोड़ा सा और विजिबल करते हैं, तो ये लें जी ये आपके पास पूरी वो डायग्राम आपको नजर आ रही है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा टेंडन्स कहलाएगा. तो इस तरह जो है ये टेंडन्स मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं. इनका काम क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता है ऑल मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जब ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये इस बोन को लिफ्ट करेगा. तो व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बोन्स पुल, बोन पुल होगी और वो मूवमेंट में हेल्प करेगी. इसी तरह हम बात करें लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं बट फ्लेक्सिबल. बट क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल. ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बोन, वन बोन टू अनदर बोन और प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ बोन. अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बेटा ये जैसे हमने पहले बोन ड्रॉ की थी ऐसे और यहां पर ऐसे, तो ये इनके दरमियान जो जंक्शन होगा, ठीक है, ये लिगामेंट्स की वजह से होगा और ये इनको डिसलोकेशन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से चेंज नहीं होने देंगे. तो ये मेरा बेटा था इस हवाले से रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो ये आपने पढ़ना है, तो ये क्लियर हमारे पास जो है वो टॉपिक हो गया. तो अब हमारा बेटा ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर टॉपिक है हमारा जॉइंट्स और टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का. तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.